वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की अगली वीडियो। ये वीडियो है फेट और मॉसफेट के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये दो टॉपिक क्लियर हो जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फेट के बारे में। तो ये देखिए, ये है इसका डायग्राम। फेट एक्चुअली एक एन टाइप सिलिकॉन की बार होती है, उसके दोनों साइड पे पी की डोपिंग की जाती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की। तो इसकी वजह से आपका दो साइड पी हो जाएगा और एक साइड एन हो जाएगा। और इसके जो तीन टर्मिनल्स होंगे, एक होगा ड्रेन, एक होगा सोर्स और एक होगा गेट। तो जो आपका फेट होगा उसके थ्री टर्मिनल्स होंगे, ड्रेन, सोर्स और गेट। और इसके दोनों साइड पे आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग होगी और एन टाइप का बार होगा। और इसका जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरह होगा। ये देखिए, ये है इसका सर्किट डायग्राम। इसमें ड्रेन और सोर्स फॉरवर्ड बायस रहेगा और आपका गेट और सोर्स रिवर्स बायस रहेगा। स्टार्टिंग में क्या होगा कि स्टार्टिंग में आपकी स्विच ओपन रहेगी, तो जो हमारा कंडक्शन होगा वो ड्रेन और सोर्स के बीच में होगा। ड्रेन सोर्स के बीच में करंट फ्लो होगी आईडी, ड्रेन करंट, और वोल्टेज हम दे रहे हैं वीडीएस। इसकी वजह से कंडक्शन ड्रेन सोर्स के बीच में होगा। लेकिन कुछ देर के बाद इसमें पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा और हमारा कंडक्शन स्लो हो जाएगा। अब इस पोटेंशियल बैरियर को कम करने के लिए और खत्म करने के लिए हम लोग रिवर्स वोल्टेज देंगे गेट सोर्स का और ये स्विच को क्लोज कर देंगे। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज पी को मिलेगा, क्योंकि ये निगेटिवली है तो ये पी को, पी के जो होल्स होंगे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो पी की जो बैंडविड्थ है, जो विथ है, वो कम होने लगेगी और कंडक्टिंग पाथ जो होगा वो इंक्रीज करने लगेगा और हमारी कंडक्शन करंट इंक्रीज करने लगेगी। तो इस तरह ये आपका वर्क करता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें मेनली हम लोग क्या करते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो विथ होती है उसको हम लोग धीरे धीरे करके डिक्रीज करेंगे और एक टाइम के बाद बहुत ही कम हो जाएगी और कंडक्शन हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ये है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होगी आईडी और वीडीएस के बीच में। जैसे जैसे हम लोग वैरी करेंगे वीजीएस के वोल्टेज को, कैरेक्टरिस्टिक नीचे आती जाएगी। जैसे वीजीएस इक्वल टू 1 वोल्ट, VGS equal to 2 volt और VGS equal to 3 volt, इसके कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह होगी। आइए अब देखते हैं ई मॉसफेट क्या होता है। तो ये है आपका ई मॉसफेट का डायग्राम। ये देखिए, ये लगभग उसी तरह है पर इसमें पी को इन्होंने पूरा फिल कर दिया है और इसमें भी ड्रेन, सोर्स, गेट और सबस्ट्रेट होगा और ये इसका सिंबल है। आइए अब देखते हैं इसकी वर्किंग। इसमें क्या है, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने डिप्लेशन मोड का जो डीमॉसफेट पढ़ा था उसमें क्या हुआ था कि बीजीएस में निगेटिव चार्ज दे रहे थे गेट को, इसमें हम लोग प्लस चार्ज देंगे गेट को। तो जो सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन लेयर, वो प्लस चार्ज को निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगी। इससे क्या होगा कि ये जो रीजन होगा यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा कंडक्शन चैनल की विड्थ घट जाएगी और हमारा रेजिस्टेंस भी घट जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने से करंट कंडक्शन बढ़ जाएगा। इस तरह ये एनहांसमेंट मोड में वर्क करेगा। सिंपल था, फिर से देख लीजिए, जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज देंगे गेट को तो जो SiO2 की लेयर है वो निगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगी इस सर्किट में। इसकी वजह से क्या होगा, जो ये रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और करंट कंडक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरह ये मॉसफेट जो है वो एनहांसमेंट मोड में वर्क करता है, इसीलिए इसको ई मॉसफेट कहते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और देखते रहें आने वाली वीडियोस और हमसे जुड़े रहें। तब तक